इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मरकज़ी हुकूमत या फिर रियासत की भाजपा हुकूमत किसी न किसी तरह से मुसलमानों को, उर्दू ज़बान को निशाना करने की कोशिश करती रही, बारहा इल्ज़ाम लगाया जाता है। लिहाजा पिछली मर्तबा भी उर्दू ख़बरों को लेकर इसी तरह से एक हंगामा बरपा किया करता। अब ये दोबारा फिर एक बार जो है 400 उर्दू स्कूलों को, यानी कि बेंगलोर में 30 और बाकी पूरी रियासत के मिलाकर 370 से 80 स्कूलों को ये बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो मादरी ज़बान में जो उर्दू स्कूलों में पढ़ाया जाता है पहली से पाँचवीं कक्षा तक, उसे बंद करके पूरी तरह से अंग्रेज़ी में किया जाए। लिहाजा इसकी पूरी रियासत में इसकी मजम्मत, इसकी मुखालफत, इसका एहतजाज किया जा रहा है। हमारे साथ आज मौजूद हैं टिपू सुल्तान संघर्ष समिति के कारकुनान, जो आज मुतालबा पेश करने के लिए डीसी ऑफिस बेलगाम आए हैं। तो पूछते हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है और क्या आपका मुतालबा है? बड़े ही अफसोस की बात है, गम की बात है कि हुकूमत का काम एक वालिदैन का फ़र्ज़ निभाना है और वालिदैन अपने औलाद का पूरा हक अदा करते हैं। ये हुकूमत हमारे वोट लेकर के और हुकूमत करते हुए बिलखुसूस मुसलमानों को ही ज़िद में ला करके हर तरीके से परेशान करने की कोशिश कर रही है। उर्दू ज़ुबान से खिलवाड़ करते हुए उर्दू तालीम हासिल करने वाले असातिज़ा की रोज़ी पर उनका एक बहुत बड़ा हमला हो रहा है। जितने बच्चे आज डीएड बीएड की तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी रोज़ी रोटी का भी मसला है, और उर्दू को ख़त्म करने की जो नापाक साजिश की जा रही है ये साजिश शैतानी साजिश है, ये यकीनन होगी नहीं। इसके लिए तमाम मुसलमान और उर्दू से मोहब्बत रखने वाले दिगर मज़हब के लोग भी आएंगे और इसकी मुखालिफत करते रहेंगे। उर्दू का तो मामला हिंदुस्तान के आईन में है, और किसी भी तरीके का नोट, छोटा नोट हो चाहे बड़ा नोट हो, इंडियन करेंसी को आप देखेंगे तो उसमें भी उर्दू से लिखा हुआ हम पाएंगे। बेलगाम के शहर से मुतालिक हम देखेंगे, बड़े अफसोस की बात है, खंजर मोहल्ला की स्कूल, काकतीवेस की स्कूल, वैभव नगर की स्कूल, जहां पर बड़ी तादाद में तलबा इल्म हासिल कर रहे हैं, ऐसी स्कूलों को भी जहाँ पर कसीर तादाद में तलबा का जो है दाखिला होता है उसे इंग्लिश मीडियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा हम हुकूमत को इस तरफ भी फिक्र दिलाने की कोशिश करेंगे कि कर्नाटक के उर्दू मीडियम के कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास वन ऑफिसर्स बने, जो सीए बने, जो आला डिग्रियां हासिल किए हैं, जो दूसरी ज़बानों में महारत भी रखते हैं। आप इस पर गौर करें और उर्दू की मुखालिफत न करें। जैसे आप एक हुकूमत चलाते हुए तमाम लोगों की कोशिश करते हैं, और इंसानियत का फ़र्ज़ यह है कि एक प्यासे कुत्ते को भी पानी पिलाएंगे तो उसके लिए बहुत बड़ा अजर है, आप तो मुसलमानों की रोज़ी को छीनने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमारा मुतालबा है हमारी रियासत से, कर्नाटक हुकूमत से, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से, कि प्लीज़ आप इस नापाक साजिश को ख़त्म करते हुए उर्दू को बहाल रखें और चलते दें। आज टीपू सुल्तान संघर्ष समिति बेलगाम के जानिब से सभी कारकुनान जो है डीसी ऑफिस में जमा हैं। पिछले हफ्ते कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास करके 400 स्कूल को कन्वर्टेड बाय इंग्लिश मीडियम कर रही है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं, क्योंकि उर्दू से तासुबी जो है, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट उर्दू की तासुबी खुलेआम कर रही है, क्योंकि उर्दू जो है भारत की आज़ादी में अहम रोल अदा करी है, आखिर ये उर्दू के पीछे ही क्यों पड़े हैं, जबकि कानून बोलता है कि पहले से पाँचवीं तक मादरी ज़बान में तालीम हो। पिछले साल ही केंद्र सरकार ने, मरकज़ी हुकूमत जो है, एक ऑर्डिनेंस पास किया है तालीमी साल 2020-21 का, उसमें कहता है कि पहली से पाँचवीं जमात तक मादरी ज़बान में हो, लेकिन ये हुकूमत, कर्नाटका की हुकूमत, जो मादरी ज़बान को ख़त्म करके इंग्लिश मीडियम हमारे ऊपर जो है लाइए कर रही है, इस पर हम सख्त से सख्त इसका एतराज़ करते हैं, क्योंकि उर्दू की ज़बान में हमारी मादरी ज़बान रहने की वजह से तहजीब और कल्चर हमारा मिटने का डर है। इसीलिए हमें हुकूमत को इंतबाह करते हैं कि आप लोग जो है ये कानून को पीछे लें और उर्दू मीडियम स्कूलों को रेगुलर जो है उर्दू मीडियम की तरह ही चलने के लिए दें। बचाएंगे उर्दू को, बचाएंगे बचाएंगे भाई, बचाएंगे उर्दू को, बचाएंगे। आज टिपू सुल्तान संघर्ष समिति के जानिब से डीसी सर को एक ये जो है मेमोरेंडम दिया जा रहा है, ये जो बीजेपी सरकार, भगवाधारी सरकार जो है, ये मनमानी सरकार है, अपनी मर्जी से फैसला करने वाली सरकार है,
किसी का सोचती नहीं है, गरीबों का सोचने वाली सरकार नहीं है। और अब जो है ये लोगों के पास, बीजेपी गवर्नमेंट के पास इलेक्शन लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं रहा। इसके लिए जो है ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बनाकर, मंदिर और मस्जिद का टारगेट बनाकर जो है ये इलेक्शन हासिल करना चाहती है, इलेक्शन लड़ना चाहती है और सत्ता हासिल करना चाहती है। अब जो है हमारे को भारत का संविधान इजाज़त दिया है कि मादरी जबान में जो है हम पहली से लेकर पाँचवीं तक उर्दू स्कूल में बच्चों को सिखा सकते हैं। ये हक हमारा जो है छीन लिया गया येडियुरप्पा सरकार। इसके लिए जो है हम सख्त से सख्त येडियुरप्पा सरकार का विरोध करते हैं कि जो है हमारे उर्दू को स्कूलों को जारी रखना, अगर नहीं रखेंगे तो हम जो है पूरे एसडीएमसी वालों के मेंबर को लेकर जो है बड़े तादाद पर जो है हम स्ट्राइक करेंगे, ये हमारा मुतालबा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे टीपू सुल्तान संघर्ष समिति के कारकुनान, जिन्होंने अपना मुतालबा भी पेश किया। और उनका मुतालबा है कि जिस तरह से उर्दू स्कूलों को बंद किया जा रहा है, एक तरह से उर्दू स्कूल यानी कि उर्दू स्कूल मुसलमानों की मादरी जबान है, तो इस मादरी जबान से जुड़े हुए कई सारे टीचर्स असातिज़ा रहेंगे जो उनकी रोज़ी रोटी का मसला उससे जुड़ा हुआ है। लिहाजा उर्दू स्कूलों को बंद करके इंग्लिश स्कूलों को शुरू करना गोया उनकी रोज़ी रोटी छीनने के बराबर है। लिहाजा एक तरह से मुसलमान असातिज़ाओं की रोज़ी रोटी को छीनने की एक साजिश है, ऐसा इनका कहना है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत, रियासती हुकूमत, येडियुरप्पा हुकूमत इस पर तवज्जो देकर इस फैसले को वापस लेती है या इसे बरकरार रखती है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बेको नाया बेको बेको नाया बेको।